सृष्टि और स्रष्टार बोले ठिया हसी साहित्य पाठक रो लालन पालन से कृति के से साहित्य के दुनिया सामना रे प्रस्तुत करसी। साहित्य के समाज रो दर्पण कहा जायसी। माटीर खबर सब बेले दावा करसी जे माटीर भाषा ने खबर सुनासी। साहित्य तो भाषा के उन्नत करसी ना, सेथिर लागे माटीर खबर रे नुआ प्रचेष्टा साहित्यर गली। से गली भितरे आमे साहित्य के कम खुजमा, सृष्टि के कम खुजमा, स्रष्टा के खुजमा और साहित्यिक के खुजमा, लेखक के खुजमा, कवि के खुजमा। अंतर्जातीय जातीय आंचलिक आउ ई माटी रसे सुनाम धन्य लेखक आरु कवि मन के नहीं करी आमरी नुआ कार्यक्रम साहित्यर गली। सआदत हसन मंटो इतांकर पाठक आज भी इताकु मंटो नारे जानसन। सतनु पर्दा हटाबार जिद ने ताकु अश्लीलतार आरोप छेली के लागला, अदालत जाई के लागला और अदालत रे उत्तर देई करी थकी गले बेले फेर से गले पागल खाना। भारत पाकिस्तान विभाजन विषय रे सबुनु बढ़िया लेखुथबार लेखक मानकर भितरु जणे थिले मंटो। अनेक सिनेमा लिखिचन, अनेक रेडियो नाटक लिखिचन। एथर एथर रिलीज होइथबार नंदिता दास कर सिनेमा मंटो अमर लेखक सआदत हसन मंटोंकर जीवनी उपरे आधारित थिला। मंटोंकु सभा समिति रे कोर्ट सामना रे खुली किना कहुथबार जणे व्यक्तित्व भावे विवेचना करा जायसी। मंटोंकर लेखा जे थरे पड़सी लागसी से भी जणे अपराधी है। से भी मनुष्यतार नारे, धर्मर नारे, जातिवादर नारे, नारी आ पुरुषर विभेदतार नारे ए सुंदर दुनिया के भाग भाग करी किना रखीचे। तांकर लेखा पढ़ला परे मते मने पड़सी जफर गोरखपुरी कर से शायरी। इतनी आसानी से मशहूर किया है खुद को मैंने, इतनी आसानी से मशहूर किया है खुद को मैंने, अपने आप से बड़े शख्सियत को गाली देकर। एचन मंटोंकर लेखा भितरु 15 उक्ति के नमा जेंटा प्रत्येक व्यक्ति रे जीवन रे बोध हुए फिट बससी। जमाना के जिस घर से हम गुजर रहे हैं अगर आप उसे वाकिफ नहीं तो मेरे अफसाने पढ़ा कीजिए। अगर आप इस अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब है कि ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे तहरीर में कोई गलती नहीं, जिस गलती को मेरे नाम से बताया जाता है वो दरअसल मौजूदा सिस्टम की गलती है। मैं सोसाइटी की चोली क्यों उतारूंगा जो है ही नंगी, मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि ये मेरा काम नहीं लड़कियों का काम है। ऐसा होना मुमकिन है कि सआदत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रहे। मैं एक जेब कतरा हूँ जो अपनी जेब खुद काटता है और कोई कहानी मेरे जेब से टूटकर बाहर आ जाती है। मैं कहानियाँ नहीं लिखता, कहानियाँ मुझे लिखती है। मैं कहानियाँ नहीं लिखता, कहानियाँ मुझे लिखती है। कभी कभी हैरत होता है कि ये कौन है जो इतनी अच्छी कहानी लिखी है। हर बड़ा आदमी गुसलखाने में सोचता है मगर मुझे तजुर्बे से मालूम हुआ कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं गुसलखाने में नहीं सोच सकता। दुनिया में जितनी लालते हैं भूख उसकी माँ है। मजहब जब दिलों से निकल कर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। मेरे जीवन के सबसे बड़ी घटना है मेरा जन्म होना। मत कहिए कि हजारे हिंदू मारे गए, मत कहिए कि हजारों मुसलमान मारे गए, सिर्फ ये कहिए कि हजारों इंसान मारे गए। सिर्फ मूर्ख ही ये सोच सकते हैं कि मजहब को बंदूक से मार गिराया जा सकता है। मैं ऐसे समाज पर हजारों लालच भेजता हूँ जहाँ उसूल हो कि मरने के बाद हर इंसान के किरदार को लंड्री में भेज दिया जाता है जहाँ से वो धुलधुला कर आ जाता है। बेस्या का मकान खुद
खुद एक सांप है जो समाज अपने कंधे पर उठाया हुआ है। इस समाज में एक नारी को कोठा चलाने का इजाजत तो मिलता है, लेकिन तांगा चलाने का नहीं। मार्टिन खबर रही प्रयास अपन मन को जरूर भल लगी थबा। जुहार। मुई लोपा मुद्रा मते तथ्य संग्रह रे सहयोग करितले अमर मार्टिन खबर रा संपादक असीम पटेल।